हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है विपणन सम्मिश्रण में परिवर्तन, चेंजेस इन द मार्केटिंग मिक्स। हम इसका अध्ययन करें इसके पूर्व मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विपणन मिश्रण स्थिर या फिक्स्ड नहीं है, बल्कि यह गतिशील या डायनेमिक है। जब एक बार संस्था का विपणन सम्मिश्रण करने का निर्णय एवं निर्धारण कर लिया जाता है, तो फिर उसमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन एवं समायोजन किया जाता है, तो उसे विपणन सम्मिश्रण में परिवर्तन एवं समायोजन कहते हैं। आज के परिवर्तनशील युग में बहुत कुछ तेजी से बदलता जा रहा है। उनमें है पहला वातावरण के घटकों में परिवर्तन, चेंजेस इन द फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। प्रत्येक संस्था अपने आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में कार्य करती है, किंतु बाह्य वातावरण में हुए परिवर्तनों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये घटक अनियंत्रण योग्य होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, जो कि किसी संस्था के कंट्रोल के बाहर होते हैं, और इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं, जैसे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति, देश की आर्थिक परिस्थितियां, मूल्य स्तर एवं मुद्रा प्रसार, सरकार की आर्थिक एवं वाणिज्यिक नीतियां, सरकारी नियम, उपनियम, अधिनियम, कानून आदि, देश की जलवायु, देश में आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति, देश की राजनीतिक व्यवस्था, देश की प्रौद्योगिकी, देश में सभी स्तरों पर जो न्याय व्यवस्था है, वह सभी, ये सारी जो घटक हैं, ये सब परिवर्तनशील हैं। इनमें परिवर्तन होने के कारण हम या एक संस्था को अपने विपणन मिश्रण में भी परिवर्तन और समायोजन करना पड़ता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है उपभोक्ताओं या ग्राहकों में परिवर्तन, चेंजेस इन कंज्यूमर या कस्टमर। आज उपभोक्ताओं या ग्राहकों में निम्न प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। उपभोक्ताओं की जो रुचि है, आवश्यकता है, वह भी परिवर्तनशील होती है। विशेष किस्म के उत्पाद, रंग रूप आदि का आकार, यह भी उनका बदलता रहता है। उत्पाद को लेकर क्रय शक्ति में भी कभी कमी भी आती है, वृद्धि भी होती है। आय के साधनों में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। ब्रांड शक्ति, उत्पादों एवं सेवाओं की सस्ती एवं महंगी पसंद, ये सभी घटक भी उपभोक्ताओं के विपणन मिश्रण को परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ जीवन स्तर में सुधार, सामाजिक व्यवस्था, उपभोक्ताओं की रीति रिवाज, फैशन शैली आदि के कारण भी विपणन मिश्रण में परिवर्तन करना पड़ता है। अब तीसरा पॉइंट है जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज। देशवासियों के जीवन मूल्य में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। वे आज के जीवन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं हुए बहुत महंगी सुविधाजनक योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाते हैं। इसी प्रकार आर्थिक सामाजिक नीतियों में भी परिवर्तन हुआ है। अब हमारा पॉइंट आता है चौथा पॉइंट, उत्पादों में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रोडक्ट। उत्पादों में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए नया दर्शाने के लिए ब्रांड पैकेजिंग, किस्म एवं शैली में परिवर्तन आप देखते ही हैं। हम नए नए ऐड में जो प्रोडक्ट्स को जो हम देखते हैं कि उनकी रंग रूप डिज़ाइन में परिवर्तन कर दिया जाता है, नई पैकिंग के साथ प्रोडक्ट को प्रस्तुत किया जाता है, ये उत्पाद मिश्रण के में परिवर्तन को इंडिकेट करता है या उनको इंगित करता है। अब हमारा पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, सुविधाओं में परिवर्तन, चेंजेस इन फैसिलिटीज़।
आज देश में अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे फास्ट फूड, रेडीमेड खाद्य सामग्रियां, जो हम देखते हैं पैकेट फूड, वह है रेडीमेड खाद्य सामग्रियां। यातायात, संचार एवं साख सुविधाएं देखी जा सकती हैं। इनका उपयोग एवं उपभोग करने के लिए उपभोक्ता हमेशा तैयार रहता है या लालायित रहता है। सिक्स पॉइंट आता है सेवाओं में परिवर्तन, चेंजेस इन सर्विसेज। व्यावसायिक क्षेत्र एवं अव्यावसायिक क्षेत्र में अनेक सेवाएं देखी जा सकती हैं, जैसे बीमा, बैंक, पेशेवर मध्यस्थ, घरेलू सेवा तथा विक्रय के पश्चात जो सेवाएं दी जाती हैं वह आदि। अब सेवन पॉइंट आता है संस्था में आंतरिक परिवर्तन, इंटरनल चेंजेस इन कंसर्न। संस्था में आंतरिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं, जैसे कि उत्पाद रेखाओं की संख्या कम अधिक होना, उत्पाद रेखा में उत्पादों की संख्या बढ़ना या घटना, संस्था की प्रतिस्पर्धा नीति में परिवर्तन, उत्पाद विविधीकरण एवं प्रमापीकरण, विपणन एवं बाजार शोध की व्यवस्था और बजट, ये सभी घटक जिनमें परिवर्तन होते हैं। अब हमारा एट पॉइंट आता है सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देश में उत्पादों, मूल्यों, वितरण एवं संवर्धन के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि आज के परिवर्तनशील युग में विपणन सम्मिश्रण को एक ऐसा अस्त्र का रूप दे दिया गया है, जिसके द्वारा विपणनकर्ता संभावित परिवर्तनों का पूर्वानुमान करके उनका सामना करने के लिए नियंत्रण विपणन चलों में आवश्यक समायोजन करने में सक्षम हो सके। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसे पुनः अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।